बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने फोन के डिस्प्ले फिंगर लगाना, जैसे मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करता हूँ, और आप लोग भी इस तरीका से चाहते हैं स्क्रीन पर फिंगर लगाना तो बहुत आसानी से लगा सकते हो। और आपके फोन का रेडमी का फोन है, अगर आपका रेडमी का फोन है तो आपके फोन में आसानी से ट्रिक काम करने वाली है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दबाता हूँ, और दबाने के बाद आप लोग देख सकते हो फिंगर आ रहा है, और फिंगर पे हाथ रखता हूँ यहाँ पर, आसानी से मेरा फिंगर खुल गया है। तो इसलिए आप लोग भी बहुत आसानी से स्क्रीन पर फिंगर लगा सकते हो अगर आपका कोई रेडमी 9 पावर का फोन है। तब कोई रेडमी का फोन होना चाहिए या पावर का हो या ना हो, बिल्कुल बहुत आसानी से फिंगर लगा सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे लाइक करो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जिसका नाम है, एक एप्लीकेशन हर एक फोन में मिल जाता है देखने के लिए, आजकल जितना भी एंड्रॉइड फोन आता है हर एक फोन में देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है थीम ऐप्स, ठीक है। इस तरीका से कुछ इंटरफेस है, मगर जो रेडमी फोन है तब आपके फोन में बहुत अच्छी ट्रिक ये काम करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थीम ऐप्स को कुछ ओपन कर लेता हूँ। अब जब थीम ऐप्स को कुछ ओपन करेंगे तो मैंने तो पहली बार बहुत बार उसे यूज करके रखा है, तो इस तरीका से मेरे पास इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। जब आप लोग पहली बार इसे ओपन करोगे कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो परमिशन मांगेगा तो परमिशन को दे देना आपके लिए, और परमिशन देने के बाद अगर जीमेल से लॉगिन करने के लिए बताए तो लॉगिन भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस इस तरीका से हम इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है। अब यहाँ पर क्लिक करके जैसे रखेंगे तो इस तरीका से एक इंटरफेस आ जाता है हमारे पास ओपन होके, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऊपर फिंगर वाला ऑप्शन कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऊपर फिंगर वाला ऑप्शन कुछ आ गया, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से मैं फिंगर चला रहा हूँ, काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ, तो इस तरीका से मेरे पास फिंगर वाला ऑप्शन आ गया है। मैं इस पर भी क्लिक करके चाहता हूँ फिंगर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट अब दिखाता हूँ, इस तरीका से कुछ इंटरफेस हमारे पास आ गया है, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोडिंग मैंने करके रखा है तो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है। अब जब लोग आप पहली बार इसको डाउनलोडिंग करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीका से इंटरफेस आएगा डाउनलोडिंग वाला, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हो। बल्कि मैंने डाउनलोडिंग काफ़ी सारे कर रखे हैं तो अप्लाई वाला ऑप्शन मेरे पास इसलिए आ रहा था। तो यहाँ पर एक नया फिंगर मैं यूज़ करने वाला हूँ, और आपको भी नया फिंगर एक बताने वाला हूँ किस तरीका से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, जो भी मेरे पास फिंगर आ रहा है इसको भी मैंने डाउनलोडिंग करके अप्लाई कर रखा है, तो अप्लाई का ऑप्शन नीचे आ रहा है। तो मैंने काफ़ी अच्छे यहाँ से फिंगर डाउनलोडिंग कर लिए हैं। और गैस आप लोग भी चाहते हैं इस तरीका से इसमें फिंगर लगाना और नए फिंगर लगाना अपने डिस्प्ले पर, तो इसी यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहीं पर देखने के लिए फिंगर, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोडिंग मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया है, इस पर कुछ क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और जैसे डाउनलोडिंग हो जाएगा जी, ऑटोमेटिक हमारा अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाता है। जब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गया है, और डाउनलोडिंग होने के लिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ भी गया है। तो इससे पहले मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक वाला टिक दिया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। पहले यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग चाहते स्क्रीन का लॉक खाली फिंगर लगाना तो इसको सिलेक्ट करके रखना है, और आप लोग चाहते हो कि स्क्रीन के साथ साथ मेरा और भी फीचर चेंज हो जाए, मेरा ऐप्स भी फीचर चेंज हो जाए सभी का, तो यहाँ पर जो टिक लगा देना आपके लिए, मुझे खाली स्क्रीन का लॉक चाहिए, तो लॉक लग कर मैं अप्लाई कर, मुझे खाली स्क्रीन का लॉक लगाना है, तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा के टिक और मुझे अप्लाई कर देना है। अब आपको इस तरीका से कुछ अप्लाई करना है। यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बैक हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अब बिल्कुल बैक हो जाएंगे, बैक होने के बाद इस तरीका से कुछ हमारे पास इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, क्योंकि बाकी मैंने खाली स्क्रीन का लॉक ही मुझे चाहिए, तो बाकी कोई मेरा फीचर चेंज नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मैं एक बार स्क्रीन का जो ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ एक बार स्क्रीन को, और दिखाता हूँ आपके लिए यहाँ पर फिंगर सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो मैंने स्क्रीन का ऑफ कर दिया है, इसके बाद मैं ऑन करता हूँ आपको, और दिखाता हूँ यहाँ पर फिंगर सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार ऑन करके देखता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरा जो फिंगर सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर दबा के रखता हूँ और धीरे से ऊपर कर दूंगा, आसानी से मेरा फिंगर खुल गया है। तो गाइस इस तरीका से आप लोग भी स्क्रीन पर फिंगर लगा सकते हो। और गाइस आज का आपको वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अच्छा लगा तो लाइक करो, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके गाइस। और बहुत आसानी से गाइस आप लोग स्क्रीन पर फिंगर लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा के आपको दिखाया है। और गाइस फिर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीका से, अब जैसे दबाऊंगा ऊपर करूंगा ऐसे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने चेहरे का फेस लॉक भी लगा है, तभी ये ट्रिक मेरे फ़ोन में काम कर रही है। तब भी आप लोग अगर फिंगर स्क्रीन पर लगाना चाहते हो तो अपने चेहरे का फेस लॉक लगाओगे, तभी आपका फिंगर अच्छे से काम करेगा, और जब भी ये ट्रिक आपके फ़ोन में अच्छे से काम करेगी, और बल्कि कोई दूसरा अगर हाथ रखेगा फिंगर पर तो आपका आसानी से फिंगर खुल जाएगा। इसलिए